हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेजरमेंट यानी मापन चैप्टर का पार्ट टू कराने जा रही हूँ, जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शक्ति का SI मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस है हर्ट्ज, वाट, वोल्ट या फिर न्यूटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन से वोल्ट, फर्मी, न्यूटन या फिर फैराडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन बल का SI मात्रक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है किलोग्राम, सेकंड, केल्विन या फिर मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं केल्विन, एम्पियर, कैंडेला या फिर मोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? ऑप्शंस हैं वोल्ट, फैराडे, ओम या फिर हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता का SI मात्रक क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं फैराडे, रेडियन, कूलाम या फिर वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे धारिता का SI मात्रक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कूलाम, रेडियन, मीटर या फिर ओम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? हमारे ऑप्शंस है वोल्ट, कूलाम, फैराडे या फिर न्यूटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूलाम विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल कोण का SI मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं रेडियन, स्टे रेडियन, घन मीटर या फिर लक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियन समतल कोण का SI मात्रक होता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, घन कोण का SI मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फैराडे, कूलाम, ओम या फिर स्टे रेडियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टे रेडियन घन कोण का SI मात्रक होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।